आज का दिन में हम लोग लखावली के टॉप हॉस्पिटल है वहाँ पे सफाई अभियान का कार्यक्रम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोग और आने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं कि कुछ यहाँ पे सफाई अभियान है। तो मैं चाहता हूँ कि नेशनल डे के उपलक्ष्य पे हर जगह हम लोग का यही संदेश है कि हर एक जगह स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल या कोई भी ऑफिस, कोई भी इस तरह का ऑफिस हो जहाँ पे गंदा ना हो, इस तरह से हम लोग सफाई अभियान करते रहेंगे। ये हमारा पहले शुरू है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग का यहाँ पे हम लोग एक सफाई अभियान का कार्यक्रम के लिए आए। अब कल मेरा नाम बच्चन भाई, तब उसको मैं अभी मेम्बर हूँ, इसलिए हमारे इलेक्शन चले। नमस्कार, आप लोग एक अभियान में क्या किसको किस उद्देश्य में ये हो रहा है? आज का जो अभियान है गुरु नानक जन्म जयंती है, 553वीं जन्म जयंती आज हम लोग पिछले कुछ दिन पहले हमारे अस्पताल का डीएमएस सभी को हम लोग एक पत्र दे गए थे, उसके आधार से आज हम सभी एकत्रित हुए हैं, सफाई अभियान करेंगे। और बात हुआ ये जो ये स्वास्थ्य विभाग हमारे क्षेत्र में पड़ते हैं तो सफाई करना हमारा एक अधिकार, हमारा एक कर्तव्य बन जाए, इस वजह से हम सभी पत्र देने के बाद एकत्रित हुए करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे शायद आप लोग कुछ दिन बहुत दिन देख रहे होंगे मीडिया में, 2-3-4 इससे आगे नहीं दिख रहे होंगे, है हमारा बहुत ही मेम्बर है पर वो आगे नहीं आ पा रहे हैं कुछ कुछ अपना अपना प्रॉब्लम की वजह से। और हमारे यहाँ का जो पार्टी का सिद्धांत, मतलब जो क्या बोलेंगे पार्टी का एक्टिविटी, तभी यहाँ पे सफल हो पाएगा जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारी दिल्ली सरकार से केजरीवाल जी हो या मनोज सिसोदिया जी हो, कोई भी आते हैं हमारे बंगाल में, इधर में जनता से मिलकर जाते हैं, तभी जाके हमारा इस पार्टी का आगामी दिन कुछ आगे बढ़ सकती है। अन्यथा क्योंकि बहुत लोग लगता होगा ब्लॉक इंचार्ज नंदकिशोर ठाकुर है, एक छोटा परिवार से, नाई परिवार से बिलोंग करता है, शायद चला पाएगा नहीं पाएगा, हमको कोई कवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इस सब कारण से लेके बहुत ही आगे नहीं आते हैं। तो कोई बात नहीं है, हम भी मतलब मिडिल क्लास परिवार से हैं तो हम भी ज़्यादा अपना एक्टिविटी को आगे नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड, हमारा भी तो छोड़िए, हमारा इस अलीपुरद्वार में, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में पार्टी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई एक मजबूती मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो।